सो भाई नमस्ते, कोनिच्वा, कैसे हो मेरे भाई लोगों। तो भाई आज है फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे। अभी जस्ट मैं काम खत्म करके उठाऊँ तो इसको लगा लेते हैं थोड़ा सा ये। और आज ब्लैक फ्राइडे भाई, तो आज सेल लगेगी बहुत जगह। अभी मेरी छोटी बहन का फोन आया, कह रही आज ब्लैक फ्राइडे माय प्रोटीन में सेल लगी है। तो आज यार मैं ये वीडियो अगर पहले बनाया था तो आपको पहले पता लग जाता। तो ब्लैक फ्राइडे की आज सेल लगी हर जगह, कॉस्टको से लेके कॉस्टको कहते हैं बताइए, मगर हर जगह सेल लगी हुई है। और माय प्रोटीन में 60% ऑफ है। तो मैंने एक प्रोटीन मंगा लिया, मुझे वो प्रोटीन पड़ा सिर्फ 2700 का, तो बड़ा सस्ता पड़ा। तो नहावा के आता हूँ, देखो दाढ़ी वाड़ी कुछ काटी नहीं, बाल भी ऐसे अनछन पड़े हो रखे, तो ब्रश कर लेते फिर चलते हैं, ठीक है। सुबह अब हम आ गए हैं शावर लेके। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा अपना मेकअप का सामान यूज करते हैं भाई। सबसे पहले हम ये लगाते हैं नीविया, ये मैं लगाता हूँ कि दाढ़ी बनाई ना यार सफेद सफेद हो जाता है। और यहाँ पे दाढ़ी नहीं बनाऊ तो यार अजीब सा, ये लोग डरते हैं, डरते हैं, अच्छा नहीं लगता। और सच बताऊं तो जो यंग जनरेशन है यहाँ पे वो दाढ़ी वालों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो भाई चाहे लड़का हो लड़की हो, और काम पे तो ये बिल्कुल नो है दाढ़ी। और ये मैं ये आज जेल, मतलब आज नहीं थोड़े दिनों पहले ये जेल लेके आया, मेड इन जापान, गेट्सबाय का है, अभी गेट्सबाय अच्छा है ये भी। ये बड़ा हार्ड है, इसको थोड़ा सा ऐसा लेते हैं, मैं थोड़ा पानी लगा लेता हूँ ना। 5-10 साल तो हो गए होंगे, 5-10 साल से भाई मैंने कॉम्ब यूज नहीं करी, जिसे हम हिंदी में कंगी कहते हैं। सो भाई अब पी लेते हैं थोड़ा प्रोटीन। मैंने सॉरी यार यहाँ पे गंदा कर रहा है, इसको साफ कर देंगे सब। यहाँ पर मैंने ये रख लिया है, अब ये देखो ये हमने ऐसा खोला के अंदर, अब थोड़ा सा बचा है, ऐसे मैंने मंगवा लिया आज ब्लैक फ्राइडे में सेल लगी थी। खाद दिया है 1-2 और ये 3 भाई। ये है हॉट पॉट, क्योंकि अबे हॉट पॉट में तो पानी ना है यार, कैसे करें याकू। तो भाई पीने का जो बॉटल में पानी था वो बचा हुआ था, तो हमने इसमें डाल दिया। अब ये इतना हो गया है, इसको हम शेक करते हैं, शेक वेल। तो मैंने जैसे आपको दिखाया ये हॉट पॉट जो है ना, ये देखो मेरे को फ्री में मिला था, मतलब कोई बंदा जा रहा था। अब मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ कि ये जो मैं राइस कुकर और ये दोनों मुझे फ्री में मिला है, और टेबल भी, क्योंकि एक जो रेस्टोरेंट था, रामेन की दुकान थी उसकी जापानी की, तो वो शिफ्ट कर रहा था या रेनोवेट कर रहा था, उसने फेंकना था। अब वो फेक था तो उसको कम से कम 10,000-11,000 रुपये देने पड़ते, और ये बहुत महंगी चीज़ें हैं, दोनों को मिला के कम से कम 20-25,000 की चीज़ होगी, मुझे फ्री में मिल गई। और बिल्कुल ब्रांड न्यू है ये, देखो पूरा ब्रांड न्यू है ये। तो मैं मजबूरी में पीता हूँ यार, मेरे को ऐसे प्रोटीन वोटीन मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट क्या करें यार, मेरे को टेस्ट भी अच्छा नहीं लगता इनका। तो प्रोटीन पीना चाहिए, क्योंकि आप लोग हर बार तो नहीं खा सकते ना, सारी चीज़ें मेंटेन तो नहीं कर सकते, तो ये मेंटेन कर देता है। और ये नॉर्मल प्रोटीन है, कुछ ऐसा नहीं है कि बॉडी बिल्डिंग वाली चीज़ है, तो नॉर्मल प्रोटीन। तो भाई ये दो चीज़ है, राइस कुकर है मेरे को, एक ये राइस कुकर मिला था फ्री में, ये देखो ये मित्सुबिशी का है, और ये मुझे राइस कुकर मिला था, और ये भी फ्री में मिला, ये हिलेरी की कुछ ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में किसी का आया था, तो उससे लिया था फ्री में। और ये फ्रिज भी फ्री में लिया है भाई, ये फ्रिज भी फ्री में लिया है, पुराना वाला बाहर पड़ा हुआ है, देखो ये फ्रिज साफ है, थोड़ा थोड़ा साफ रखते हैं, कभी कभार गंदा हो जाता है। जाने से पहले हम इसको कूड़े को, इसमें कूड़ा है भाई आप दिखा दो तुम बहुत भर रखा है, तो ये कूड़े को हम पहले निकाल लेते हैं और इसको फेंक देते हैं, ठीक है। आज हवा कितनी तेज चल रही है भाई साहब, ऐसा लगा किसने कूलर चला दिया, टीन लगा रखा है इन्होंने, कूड़ादान है यहाँ पे जमा करते हैं, ये अपना रखती है। और ये देखो ये पेड़ देखो, अभी अभी तक नहीं थे ना भाई, हमारे यहाँ इंडिया में जो पेड़ होते हैं हम खुद वो ला के लगाते हैं ना, यहाँ पर देखो ये पूरे बने बनाए पेड़ ले आए, पूरे बने बनाए पेड़ लगा के उगादियों में, तो घबरा गया पूरा, मतलब पेड़ लाए और गाड़ दिया, पता नहीं समझ ही नहीं आया। और ये अपना सोसाइटी है भाई, ये काफ़ी अच्छी एरिया है, यहाँ से स्ट्रेट जाते हैं क्योटो के लिए, जब मैं गाड़ी से जाता हूँ हिलेरी के यहाँ, तो यहाँ से स्ट्रेट जाता हूँ। ये बिल्डिंग है सरकारी ऑफिस की बिल्डिंग है, और वहाँ पे सीधे सामने है ओसाका कैसल, तो भाई कई बार दिखाया मैंने ये मॉल, यही सिटी मॉल है केहान का, यही स्टेशन है, तो इस यहीं पर है 100 yen की शॉप, और ये है UFJ का ATM, यहाँ पे ATM है। और यहाँ चलते हैं अंदर गए, तो यहाँ पे देखो फूल की दुकान है, यहाँ पर लोग ऊपर जा रहे हैं, फिर क्रिसमस का यहाँ चालू हो गया, वो क्रिसमस का यहाँ। सो भाई हम आ गए हैं Daiso, ये है Daiso, और इसी के सामने है ये है Uniqlo, पहले हम Daiso जाते हैं। तो भाई हमें साफ सफाई करने का सामान खरीदना है, ये क्या है, ये है वॉश टब, अच्छा ये वॉशिंग मशीन साफ करने के लिए है, ये सही है, इसको ले लेते हैं।
ये फुकिन भी है, ये ठीक रहेगा। नहीं भाई ये और मिल गया, ये है डस्ट क्लोथ एंड हैंगी स्ट्रिंग, ये सही है, तीन है, ये सही है, इसको ले लेते हैं। सॉरी भाई, इसको वापस कर देते हैं। एक ये भी ले लेते हैं, ये है जैसे ऑयल वॉयल होता है ना गिरा हुआ, तो उसको बिल्कुल साफ कर देता है। एक ये ले लेते हैं भाई, ये है यूनिक्लो, ये जो मैंने ली थी ना पिछली बार 10,900 की, बट मेरी थोड़ी सी और मोटी थी। एक बार चलते हैं यहाँ पर, हम इतने सारे कलर है उसमें देखो। भाई आप भी ऐसा फैशन करो यार, अच्छा लगता है। भाई अभी मैंने उससे पूछा कि कहाँ है, तो वो लड़कियों का सेक्शन था यार, और लड़कों का सेक्शन इस तरफ है और यहाँ पे काफी ज्यादा है। चलो देखते हैं। भाई देखो आपका भाई के कपड़े। भाई बेसिकली मुझे ऑफिस को लैपटॉप जो है ना रिटर्न करना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ एक अपना आई मैक वगैरह या आई मैक बुक कुछ खरीद लूँ। भाई ये देखो ये दोनों मिल गए हैं, बट यार भाई अच्छे से साफ़ नहीं हुआ यार, अभी भी वो पूरा गंदा हो रहा है, पता नहीं यार ये कैसे यार। 2800 yen लिए तब भी साले साफ़ नहीं कर पाया था, हद हो गई भैंस के। कुछ कुछ चीज़ें जापान में इतनी घटिया है ना भैंस के। अब घर चल के देखते हैं, चलो। सो भाई अब हम पहुंच गए हैं घर, ये देखो भाई, अब ये देखते हैं जैकेट कैसी है इन्होंने। ये हमारा जैकेट हो गया है, ये जैकेट इन्होंने ऐसा ड्राई क्लीन कर दिया जैसा नया है, इंडिया में भी हमारा सेम होता है। बट जब हम इस जैकेट में आते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसमें अभी भी सारे दाग वैसे के वैसे हैं, और इस इन्होंने इसके 2800 yen लिए हैं। तो इन्होंने क्या किया ऐसा, तो मैं अभी कैसे पहनूंगा यार, 2800 yen भी मैंने फालतू में इनको दे दिए। ये देखो भाई, ओ तो ये या तो इनसे निकला नहीं, कैसे निकलेगा अब ये, थोड़ा कमेंट में बताओ भाई कुछ क्या कर सकते हैं हम इसका, क्योंकि इसको अब ऐसे तो पहन नहीं सकते है, देखो। और ये पहली बात बता दूं, ये साइकिल से जब मैं टोक्यो गया था ना, उसका ग्रीस है ये, जो चेन में नहीं लगा तो चेन में रगड़ गया था, तो उसका ग्रीस है। सो अब हम ये माइक्रोवेव हमारा, यहाँ पे हम टोटियाज रखते हैं दो, और इन टोटियाज को कर देते हैं गोल गोल घुमा देते हैं टोटिया को। अब चलो इस टोटिया को घूमने दो, तब तक हम ये हमारी प्लेट हो गई है ब्यूटी ब्यूटीफुल प्लेट, और फिर बाद में हम इसको देखो मैं हम क्या करते हैं बाद में दिखाता हूँ। तो भाई देख लेते हैं इसको कितना हुआ, तो ये देखो भाई थोड़ा ऐसा हो चुका है, तो इसको एक बार और पलट के ना, ताकि कड़कड़ा ना हो, तो इसको एक और बार कर देते हैं। अभी मेरे दोस्त का फोन आया जिशान खान का, कह रहा मैं नरितो एयरपोर्ट में हूँ, 2 घंटे से खड़ा हूँ, कह रहा साले अब मेरे को याद आया कि कुछ मेरे को वहाँ जाना है, क्या बोलते हैं अपने घर जाना है, ये बोल रहे 14 दिन का क्वारंटीन होगा, तो 14 दिन का क्वारंटीन अपने घर पे करो, तो कहता वो बोल रहे हैं आप प्राइवेट गाड़ी से जाओ। तो अभी उसका मेरे को फोन आया कि कह रहा भाई कहीं से जुगाड़ करा, क्योंकि मैं ट्रैवल में हूँ, तो मैंने अभी जुगाड़ तो करा दिया उसका बड़ा सस्ते में, मैंने उसको 2.5 मान में करा दिया 25,000 yen, और उसने जिसको कराया वो 35,000 yen ले रहा है उससे। अब मेरे को फोन कर रहा है, पहले उसको फोन कर दिया, अब वो पता है वो लड़का जापानी है, उसने क्या बोला मैंने गाड़ी निकाली मैं रास्ते में, मैं ऐसे दिख रहा हूँ अभी किसी का पैसे नहीं है, मतलब कम है सब पे खर्च करी, उसने बोला मैंने अब तो गाड़ी निकाल दी। क्या है यार कैसे बंदे होते हैं ना भाई, अपने घर में सब कुछ है और बाहर को फोन करते हैं। रुको उसका फोन आ रहा है, उसी का फोन था, कह रहे हैं अब वो कह रहे हैं वो मना कर रहे हैं नहीं कर रहे, 10,000 yen बचा देता मैं उसको। कैसा है यार ना बंदा, घर पे सब कुछ है फोन कर रहा है उनको, हद हो गई। चलो भाई छोड़ो मूड चेंज करते हैं, थोड़ा खराब होता है मूड, क्योंकि जब अपना बंदा है जो घर में और लोगों को फोन कर रहे तो क्या बोलूं, वो भी अपना जिगरी यार, वो जिशान नहीं जो मेरे साथ लंगोटिया यार था वो, बताओ हद हो गई। चलो मूड चेंज करते हैं, सॉरी। और अब हमने ये बना दिया है, अब मैं आपको दिखाया था, मैंने उसमें केचप डाल दिया आज, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मीठा खाने का मन करता हूँ, मीठा नहीं खाया था, तो अभी देख लो भाई। तो भाई ये देखो मीठा मीठा कह रहा हूँ, तो ये हो गए हमने ये, अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये हमारा रेडी हो चुका है। चलो भाई ये खाते हैं। ऑसम, मजा आ गया। तो भाई बोलने का मतलब ये है, अगर आप जापान में हो आने वाले हो तो आप मुझे फोन कर देना, हमारे कॉन्टैक्ट हर जगह है, गाड़ी चाहे कोई भी, और एल्फार्ड आप सर्च कर सकते हो, बड़ी वाली एल्फार्ड जिसमें 11 जने भी बैठ सकते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, जितना सामान है कोई दिक्कत नहीं है, आप हमें फोन कर देना, मेरे को बता देना, मैं आपको बेस्ट प्राइस में दिलवा दूंगा, और अगर मान लो कहीं कम पे भी मिल रहा है तो भी बता देना, मैं और कम करा दूंगा, ठीक है।
इसको खाते हैं, इस वीडियो को एंड करते हैं, रात को फिर दोबारा एक वीडियो बनाते हैं, जिम जाएंगे, उसके बाद कल सुबह हिदेरी से मिलने जाएंगे, कल सैटरडे है, और अभी इसको एडिट करके आज ही डालता हूँ, आज ही डालता हूँ, और आज कमेंट चाहिए, और कल से ना थोड़े कमेंट होगा, आंसर भी दे दूंगा वीडियो के बीच में, ठीक है? चलो भाई, गुड नाइट।